ओके okay. तो देखिए यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में कल मैंने आपको पढ़ाया क्या, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू द गिवन एंगल, है ना। तो एक एंगल दिया हो और आपको बता गया हो कि कितना एंगल है, तो उससे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक 60 डिग्री की लाइन बनानी पड़ती है, सॉरी 180 डिग्री की लाइन बनानी पड़ती है। तो और उसको काट करके अपन ने अलग अलग एंगल बनाए थे। खैर तो पहला टॉपिक लिख लो बच्चों, ये आपको लिख के भी भेजना है, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू द गिवन एंगल, ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू द गिवन एंगल, पहला टॉपिक है कि किसी एंगल को कंस्ट्रक्ट करना। तो आपके पास यहाँ पे देखिए, एक आपके पास सपोज आर्क दिया गया है, एंगल आपको दिया गया है। देखिए पढ़ते हैं इसको एक लाइन से, तब ये क्लियर हो जाएगा। टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू द गिवन एंगल, गिवन एंगल पी ओ क्यू एंड अ पॉइंट ए, एक आपको एंगल दिया गया है पी ओ क्यू। इस एंगल को ध्यान से देखिए, एक एंगल आपको दिया गया है पी ओ क्यू। तो ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट ओ और ये है पॉइंट क्यू। ये एंगल आपको गिवन है, ओके, ये एंगल आपको गिवन है। और एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपको ए गिवन है जिस पर आपको एंगल बनाना है। तो आपको ए पॉइंट पर जितना ये एंगल है उतने के ही इक्वल एंगल आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। तो क्या करेंगे, विद ओ एज अ सेंटर एंड एनी सुटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू मीट ओ पी एट आर, ओ क्यू एट एस। अब क्या करो, अपने मन से कोई भी रेडियस ले लो अपने कंपास पे, और अपने कंपास पे इसको काट दो, यहाँ पे खटाक ऐसे काट दो आपने, ये इसको आपने इसको काट दिया, ठीक है ना। ठीक है, इसको आपने काट दिया, ये जहाँ पर ये पॉइंट मीट करा नीचे ओ पी को उसका नाम दे दो आर, और जहाँ पर ये मीट किया इसका नाम दे दो एस। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, थ्रू अप ड्रॉ थ्रू ए ड्रॉ ए लाइन ए बी, ए से बी तक जाने वाली लाइन बना लो, ये क्या बन गई ए बी। अब तीसरे पॉइंट पे आओ, टेकिंग ए एज अ सेंटर एंड रेडियस, टेकिंग ए एज अ सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू मीट ए बी एट डी। अब क्या करो कि ये जो आपने जितना यहाँ पे रेडियस ली थी ना, ठीक उतने ही रेडियस का एक आर्क मार दो खटाक से, यहाँ से उतने ही रेडियस का आपने एक आर्क मार दिया। अभी आपके पास ये साइड नहीं है, क्योंकि इसके यहाँ पर तो केवल आपके पास एक ही साइड है ए बी, और ये आपने आर्क मार दिया, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क ए बी एट डी, मेजर सेगमेंट आर एस। अब क्या करो, वो जो एक डबल नोक वाला आता है ना, उसको मेज़र करके उससे ये जो आर एस को मेज़र करिए आप, और जितना आर एस है उतना लेंथ का यहाँ पर आर्क काट दो। बस जब आर्क काट दोगे तो ये आपका ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। इस एंगल को यहाँ पर बनाना है, बोलो क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। मेजर एंगल सेगमेंट आर एस विद कंपास, आर एस को कंपास से मेज़र करो, और जितना एंगल यहाँ पे है उतना एंगल आप काट दो। मतलब कुल मिला के करना क्या था, ये पॉइंट आपका ए था, ए पॉइंट पे आपने जिस रेडियस पे यहाँ पे आर्क लिया था उस रेडियस का यहाँ पे एक आर्क मानना था, और ये जितना एंगल आपने मेज़र किया था इस एंगल को आपने यहाँ पे मेज़र करके काट दिया कटाक ये, और इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो एंगल बन गया। क्लियर क्लियर, या डायरेक्टली प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके भी बना सकते हो, इसमें प्रोटेक्टर नहीं है, बट आप डायरेक्टली चाहो तो प्रोटेक्टर, मगर ये प्रोटेक्टर नहीं है, ये कैसे देगा, बोलेगा डायरेक्टली ये एंगल बना हुआ है इस एंगल को यहाँ पर ड्रॉ करो, तब तो प्रोटेक्टर नहीं काम करेगा, क्योंकि आपको गिवन थोड़ा ना कि 45 डिग्री है, आपको बोलेगा ये कोई एंगल ये बना हुआ है, इतने एंगल को यहाँ पर बनाओ इस लाइन के ऊपर। बोलो समझ में आया बच्चों की नहीं आया। यस सर। हाँ, तो ये पहला पार्ट हो गया। चलिए अगला लिखिए, टू बाइसेक्ट एनी गिवन एंगल। तो कल मैंने बाइसेक्शन करना बता दिया था कि कोई भी एंगल है उसको बाइसेक करने के लिए एक लाइन होती है, ये है ये एंगल है, इसको बाइसेक करने के लिए एक पेन पॉइंटर यहाँ रखो, पॉइंटर यहाँ रखो, हाफ हाफ पे कट कर दो, ये आपका बाइसेक्ट हो गया। क्लियर, तो बाइसेक करते बनता है ना। यस सर। ओके, तीसरा क्वेश्चन, टू कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 60, 30, 120, 90, 45। ये भी करवा चुका हूँ, तो 60, 90, 30, 45 के एंगल्स आपको बनाते बनते हैं। जी लिखना ही है, सबको लिखना है, सब लोगों ने लिखा है इन लोगों ने। चलिए अगला देखिए बच्चों,
अगला क्वेश्चन है टू बाइसेक्ट ए गिवन लाइन सेगमेंट। बच्चों इंपॉर्टेंट डालिए, हेडिंग डालिए आज की क्लास की, टू बाइसेक्ट अ गिवन लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना। तो वैसे कल भी मैंने बताया था बच्चों एक दूसरा तरीका इसका, लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना। एक लाइन ले लो जिसको बाइसेक्ट करना है, आधे से ज़्यादा लेंथ लेकर के एक ऊपर आर्क काटो, एक नीचे काटो, इधर आधे से ज़्यादा लेंथ लेके एक इधर काटो और एक इधर काटो और दोनों को ज्वाइन कर दो, ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बट यहाँ पर केवल हमको बाइसेक्ट बनाना है, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनाना है। तो आइए देखते हैं ये क्या था, ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब हमें क्या बनाना है, केवल बाइसेक्टर। तो कैसे बनाएंगे देखो, बच्चों जी देखिए कैसे बनाएंगे। ये आपके पास एक लाइन है, एक लाइन बना लो आप, जितने जो आपको दी गई है ये लाइन बना लीजिए, बना ली ठीक है। अब इससे किसी भी एंगल पर एक रे ऊपर की तरफ बना दो, ये ऊपर की तरफ रे बन गई, और इससे भी किसी भी एंगल पर एक नीचे की तरफ रे बना दो, मतलब ये ए है ये बी है, तो एक रे बना दो ए एक्स और एक रे बना दीजिए ए वाई। समझ में आया कि नहीं आया, एक रे ऊपर की तरफ और एक रे नीचे की तरफ, ये देखो ना ये रे गई है ये वाली और ये वाली, ठीक है तो यस तो बोलो, ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, कोई भी अपने पास जो आपका कंपास है उसमें कोई भी आर्क भर लो, आर्क भर लो मतलब उसको खींच दो ऐसे करके। अब यहाँ पर नोक रखो और पहला पार्ट काटो, फिर नोक को यहाँ पे शिफ्ट करो, फिर दूसरा पार्ट काटो, दो पार्ट काट दिए। सिमिलरली वही वाली आर्क लेके आओ, यहाँ यहाँ पहला पार्ट काटो और यहाँ दूसरा पार्ट। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। अब क्या करो, ये आपका दूसरा पार्ट कटाना, इसका नाम ले लो एक्स वन, इसका नाम ले लो एक्स टू, इसका नाम ले लो वाई वन, इसका नाम ले लो वाई टू। सेकेंड पार्ट, योर वॉइस इज क्रैकिंग। अच्छा आवाज नहीं मिल रही मेरी क्या आप लोग को, प्रगति सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। एक मिनट बेटा फिर से ज्वाइन करते हैं, रुको। ओके तो मुझे बताइए बच्चों आप लोग क्या ये कर लेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते बन जाएगा ठीक है। तो ये हो गया अपना बाइसेक्टर, कहाँ गया बाइसेक्टर, बाइसेक्ट ये एंगल बाइसेक्टर था, देन इसके बाद ये कर लिया हम लोगों ने एंगल्स को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनाने, एंड देन इसके बाद लाइन बाइसेक्टर। एक बार देख लीजिए बच्चों स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, समृद्धि आप भी देख लो, पॉइंट नंबर फोर्थ, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में कोई पार्ट क्लियर ना हो मुझसे पूछ लो, कुछ भी नहीं करना है। पहले क्या करना है, यहाँ एक लाइन रहेगी, दो रैंडम आपको रेज बनानी है, देन इसके बाद एक एंगल यहाँ पे लेना है, सॉरी एक आपको कट यहाँ पे मानना है रेडियस का, सेम रेडियस का कट यहाँ पे मानना है, फिर एक कट यहाँ पे मानना है, एक कट यहाँ पे मानना है, और दोनों कट जो सेकेंड सेकेंड नंबर के हैं उनको मिला देना है। ये जो पॉइंट बनेगा जी ये कहलाएगा इसका बाइसेक्टर। कैसी रेज, मतलब किस तरफ, ऐसी नहीं तो कैसी जाएंगी बताइए, कैसी रेज मारने का विचार है भाई, ये लाइन थी तो एक इधर कर दो, एक इधर कर दो, और कैसी रेज होंगी। हाँ ये है कि इसका एंगल कुछ भी ले लो आप, कितनी भी ऊपर ले लो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ऐसे ऐसे फिर नहीं, तब बाइसेक्टर नहीं बनेगा आपका, एक एक इधर जाएगी और एक नीचे जाएगी तभी। चलिए अगला नेक्स्ट है, हाँ सबको समझ में आया, यस बोलो। यस सर। हाँ अगला टॉपिक लिखिए बच्चों, टू डिवाइड अ गिवन लाइन इन नंबर ऑफ सेगमेंट, टू डिवाइड अ गिवन लाइन इन नंबर ऑफ सेगमेंट। देखो समृद्धि एक लाइन है उसको डिवाइड करना है कई सारे सेगमेंट में, कैसे करेंगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया है यहाँ, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इनटू फोर इक्वल पार्ट। एक लाइन है 8 सेंटीमीटर की, इसको आपको चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, कैसे करेंगे देखो बच्चों। एक लाइन बना लो बेटा, ध्यान दे बेटा यहाँ, एक लाइन बना लो बेटा 8 सेंटीमीटर की, ये 8 सेंटीमीटर की आपने लाइन बना ली, बिल्कुल वैसे ही एक रे बनाओ ऊपर और एक रे बनाओ नीचे, इक्वल इक्वल आर्क मार करके चार पार्ट यहाँ कर दो और चार पार्ट यहाँ कर दो, समझ गए। चार पार्ट यहाँ कर दिया,
अब देखो इसको इधर वाले लास्ट से मिलाओ और इसको इधर वाले लास्ट से मिलाओ और सारे पार्ट मिलाते जाओ। वन है ना, इसका नाम ले लो X1, इसका नाम X2, इसका नाम X3, इसका नाम X4 और इसका नाम Y1, Y2, Y3, Y4। बस हो गया। तो जैसे जैसे मिलाओगे तो ये आपके चार पार्ट बन जाएंगे। एक पार्ट का नाम दे दो M N O B। बोलिए। जैसे यहाँ पे जो आर्क हमारे स्लाइड सेम लेंथ हाँ सेम लेंथ के आर्क ऊपर, सेम लेंथ के आर्क नीचे। सबसे पहले मेन लाइन, एक रैंडम लाइन ऊपर, एक रैंडम लाइन नीचे। अब बस आर्क का ध्यान रखो। मान लो आपने अपने कंपास में इतना आर्क भरा तो इधर भी इतना मारो, फिर यहाँ पे सुई रख के यहाँ मारो, यहाँ सुई रख के यहाँ मारो, यहाँ सुई रख के यहाँ मारो। पता कैसे चलेगा कि अपन ने गलत आर्क मारा? कैसे पता चलेगा गलत आर्क मारा? जब तुम्हारा आर्क हिलना नहीं चाहिए ना, ये हिलना नहीं चाहिए आपकी निडल, एक बार टाइट कर दो उसको, हिलना नहीं है बस। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत हिल ली जाए। फिर 1 2 3 4, ठीक है ना, ये हो गया। क्या कर दो, बस ज्वाइन कर दो। ये पहला पार्ट है इधर का, ये पहला पार्ट है, तो है ना, ये पहला पार्ट है इसका, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। देखो कैसे ज्वाइन करोगे, ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है इधर को इससे ज्वाइन करो, ये लास्ट वाले से, और इधर भी लास्ट वाला इससे। अब आप ज्वाइन करते जाओ, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा। ये बन गए चार पार्ट, M N O। देखो चार पार्ट बन गए कि नहीं बने, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, AM=MN=NO=OB, चार पार्ट में ब्रेक हो गई लाइन। बोलो प्रगति, क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसको एक बार कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाईसेक्टर। परपेंडिकुलर बाईसेक्टर, तो कल मैंने बताया था आधे से ज़्यादा लेंथ लेकर के ऊपर नीचे आर्क काट दो, परपेंडिकुलर बाईसेक्टर इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये तो तैयार है ना, सबका बनता है ना, सबसे बनता है ना। हाँ, एक लाइन खींच करके ए ले लो, बी ले लो, आधे से ज़्यादा लेंथ लेके ऊपर नीचे, फिर इधर पॉइंटर रखो, ऊपर नीचे दोनों को जोड़ दो, ये 90 डिग्री होगा, बन गया परपेंडिकुलर बाईसेक्टर। क्लियर है बच्चों? चलिए यस सर। अगला है, लिखो कुछ, अगला क्वेश्चन है, टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज वन साइड इज गिवन। तो मान लो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसकी एक साइड दी गई है, तो वो जो गिवन साइड है उसको बना लो ऐसे जमीन में, ये बना लिया आपने पेपर में। ओके, अब 5 सेंटीमीटर है तो इक्विलेटरल की तीनों साइड क्या होती हैं? इक्वल। तो अपने उसमें कंपास में 5 सेंटीमीटर की रेडियस भरो और यहाँ पर कोने पर रख करके एक धारी ऐसे मारो, चलाओ, और फिर इस कोने पर रख करके एक धारी यूँ चलाओ, तो यहाँ तक की दूरी भी क्या बनेगी? 5, और यहाँ तक की दूरी भी क्या बनेगी? 5। ये पॉइंट को इससे जोड़ दो, ये पॉइंट को इससे जोड़ दो, बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो इतना बनाओ पहले बच्चों, इसको इतना बनाओ। एट्थ वाला क्या है? टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन इट्स एल्टीट्यूड इज गिवन। जब आपको एल्टीट्यूड दिया गया है, एल्टीट्यूड आपको जो है वो दिया गया है, तो आपको बनाना है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो एल्टीट्यूड दिया गया है तो कैसे बनाओगे, ठीक है ना? तो क्वेश्चन लिख लो, टू कंस्ट्रक्ट ए इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। मतलब एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक ना, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो क्या करो, सबसे पहले एक लाइन बना लो बेस बेस में, ये एक लाइन बना लो बड़ी सी, पता नहीं कितनी लंबी, खूब लंबी लाइन बना लो, इसका नाम है PQ। अब इस PQ में किसी भी पॉइंट पर 90 डिग्री बनाओ। तो 90 डिग्री बनाने का तरीका क्या होता है? ये रखा, आर्क घुमाया, यहाँ एक आर्क काटा, यहाँ एक आर्क काटा 60 60 का, दोनों को बीच में मिला करके ये काट दिया, इसको खूब दूर तक ज्वाइन कर दो, ये बन गया इसका एल्टीट्यूड। क्या बन गया इसका? एल्टीट्यूड। क्लियर आ गया? बोलो आ गया समझ में? यस सर। हाँ, तो ये आपका एल्टीट्यूड बन गया। तो पहला है ड्रॉ ए पॉइंट सेगमेंट PQ और उस पर आपने क्या है, 4 सेंटीमीटर। अब अपने उससे स्केल से या उसे कंपास से 4 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड काट दो। मतलब ये जो लंबी लाइन आपने बनाई है परपेंडिकुलर, इसमें 4 सेंटीमीटर की लेंथ काट दो और उसका नाम दे दो ए। क्या नाम दे दो उसका? ए। क्लियर? यस।
चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या करो बच्चों, अब आप यहाँ पे एक छोटी सी लाइन खींच लो। आप सबको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना होता है एंगल, 60 डिग्री। कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री। यस, तो एक काम करिए, यहाँ पर रख करके इसको घुमा दीजिए। ये आपने घुमा दिया, ठीक है ना बच्चों? यहाँ यहाँ पर रख करके आपने इसको क्या किया, पूरा का पूरा 180 डिग्री बना दिया। अब इसके पास तीन हिस्से करो, एक हिस्सा ये जाएगा, एक हिस्सा ये जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, तो ये है 60 और ये बीच वाला भी कितना होगा, 60, और ये वाला भी क्या होगा, 60। तो इसको ज्वाइन कर दो ऐसे करते हुए, तो ये भी बन जाएगा 60, ये भी बन गया, और ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोलो क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, तो 30 30 दोनों तरफ हो जाएगा, बिकॉज बीच में 60 कटा है, तो आधा 30 इधर जाएगा, आधा 30 इधर जाएगा। चलिए बनाइए इसको। चलिए इतना करिए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, इतना करिए आराम से पहले।